आइए स्टूडेंट्स एचसीएफ को एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ठीक है, इस केस में क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है 36, 24 और 12 का। तो इन तीनों नंबर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 36 को जब हम इसके प्रोडक्ट्स निकालेंगे प्राइम नंबर्स के रूप में, तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा आपका 18 पर। ठीक है, इस 18 को अगर हम दोबारा डिवाइड करेंगे तो ये 9 पे जाएगा, 2 9 18। इस 9 को अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो है 3, 3 3 9। अगेन अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, ये जो इस साइड लिखे हुए हमने, ये आपके सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 24 का निकालें तो 24 का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। 2 2 24 होता है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फिर हमें इसको दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 पे जाएगा। अगेन हम इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 3 पे चला जाएगा ये। और 3 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास प्राइम नंबर में है 3, 3 1 3। तो ये हमें तब तक करना है तब तक हमारे पास पोजीशन 1 आ जाए। ऐसे ही हम 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 12 को मैंने इस टेबल के अंदर लिख दिया है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपका 2, 2 6 12 6 पे ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसके बाद हमारे पास फिर से 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 3 6 पे जाएगा, और 3 आपका 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 3। तो वो अगर मैं 36 के प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो ये होंगे आपके 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। 2 2 4 4 3 12 12 3 36, हमारा 36 मिल गया है। ऐसे ही अगर हम 24 को लिखें तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 2 4 4 3 12 12 2 24। ऐसे ही अगर हम 12 को लिखें तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो एचसीएफ क्या होता है, जो इन तीनों में जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो क्या क्या, आपका एक 2 हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, फिर से आप देखोगे तो इसमें भी एक 2 कॉमन है, इसमें भी एक 2 कॉमन है, और एक इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें एक 3 कॉमन है, इसमें एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा ना, वो इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, जो कॉमन होगा, जो कॉमन प्राइम होगा उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहां पे क्या क्या है, 2 2 एंड 3, ये तीनों क्या है, इन तीनों जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें से ये तीनों कॉमन है। तो 2 2 4 4 3 12, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा एचसीएफ के। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में हमने फाइंड किया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग प्राइम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर यूट्यूब वीडियोस ऑन मैथ्स। थैंक यू।